सम्मानित भी हुआ है बच्चे। पहले तो हम लोग ने हाई स्कूल को स्मार्ट क्लास के रूप में कन्वर्ट किया है और इसमें जो कोर्स थे आईआईटी के फैकल्टीज के द्वारा कोर्स तय थे उनके साथ हमारा एमओयू है आईआईटी कानपुर के साथ, वो इसको हमारी कोशिश है कि नीचे भी मिडिल स्कूल में भी जहाँ ज्यादा है मिडिल स्कूल में भी हम आने जा रहे हैं ताकि प्रारंभ कल से ही उनमें क्वालिटी उनको मिले। टीचर्स का अभाव है, उसके अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाए, ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी तैयारी चल रही है उसी रूप से, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, हम लोग कर रहे हैं। संसाधन का अभाव है फिर भी कोशिश हमारी चल रही है। अभी इस बार जितने भी बच्चे टेंथ में पास आउट हुए, प्लस टू में पास आउट हुए, हमने ये तय किया है कि जो हम लोग कोशिश हमेशा रही 97 से हमारा प्रमोट कर रहे थे लेकिन स्कूल टॉपर होते थे, लेकिन इस बार हमने चीज़ों को बदला है। टॉपर के लिए शाबाशी देने के लिए सब लोग होते हैं, कभी कभी एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है, हम अनुपात में रिजल्ट नहीं कर पाते हैं, तो परिस्थिति ये होती है कि अगर मैं थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन कर गया तो एक निराशा तो मुझे व्यक्तिगत होती है जिसने एग्जाम लिखा छात्र जो भी या छात्राएं, लेकिन उसके साथ साथ होता है कि हमारे लिए उच्च शिक्षा का रास्ता भी बंद हो जाता है। हमें परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता, विद्यालय का सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने वैसे बच्चों को अपग्रेड करने का, उनके पीठ में हाथ रखने का, उनको भरोसा देने का, उनके परिवार को भरोसा देने का निर्णय के साथ इस बार 3800 बच्चे जो पास हुए थे सभी को सम्मानित किया है। कोचिंग फ्री है सर और लाइब्रेरी फ्री है। यहाँ कोचिंग से एक एग्जाम हुए हैं, बच्चों की और इच्छा है कि कोचिंग और लोग उसके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं बढ़ा जाए। मैं सोचता था एक जगह प्रारंभ करूं, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लॉक वाइज कोचिंग सेंटर मुझे खोलना पड़ेगा जितना डिमांड है, तो अभी हमारा उसके लिए भी चल रहा है। फैकल्टीज हम लोग ने सबसे बेस्ट फैकल्टीज कोटा के फैकल्टीज को उसको ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदारी दी है, तो ये काम चल रहा है। आने वाले कुछ दिन के अंदर एक और कड़ी से हम लोग जुड़ जाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।